कम्युनिकेशन के माध्यम से एक जगह के विचार दूसरे जगह पर कम्युनिकेट करवाने काफी आसान थे लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का काम काफी इजीली हो जाता था दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट की बात अगर हम करें तो जब बेसिकली यहाँ पर ना इसको देखने का नजरिया ये है कि ट्रांसपोर्टेशन से अब जब ट्रांसपोर्ट डेवलप हो रहा है तो हर कोई उसको यूज करेगा तो यहाँ पर क्योंकि अनटचेबिलिटी एक माल प्रैक्टिस का इस्तेमाल ज्यादा होता था तो कॉन्सिक्वेंटली डिस्क्रिमिनेशन एट इट्स वर्स्ट फॉर्म यहाँ पर देखी जा सकती थी राइट right? तो ये कुछ आप इस तरह की सिचुएशन समझ लीजिए कि एक कम्युनिटी है उसके गांव में उसके साथ शोषण हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन हो रही है ग्रेजुअली जब उसको एक जगह से दूसरी जगह जाना है उसने देखा कि इसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन किसी और व्यक्ति के साथ भी हो रही है पर वो मेरे गांव का नहीं है उसने आपस में डिस्कस किया कि क्या चल रहा है उन्होंने कहा कि मेरे गांव में भी यही प्रॉब्लम है तुम्हारे गांव में भी यही प्रॉब्लम है तो क्यों ना हम एकजुट हो अपनी आवाज खड़ी करें और इस मैल प्रैक्टिस के खिलाफ कास्ट मूवमेंट्स को स्टार्ट करे राइट right? तो इन दोनों फैक्टर्स ने भी इसी तरह से इंटरप्ले किया जो न्यू लॉज लेके आए वो भी यूनिफॉर्मिटी की बात करते थे इक्वालिटी की बात करते थे उनके असर को भी देखा जा सकता है एंड ऑफ कोर्स नेशनल कॉन्शियसनेस की जब बात करते हैं तो जब हमने इंडिया को ब्रिटिश से आज़ादी दिलवानी है इंडिया एज ए नेशन की बात की जा रही है तो वहाँ पर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की जगह नहीं हो सकती तो कॉन्सिक्वेंटली समाज की कुरीतियों को दूर करना भी हमारे नेशनलिस्ट एजेंडा में एंटर हो गया आजाद भारत किस तरीके का दिखेगा ये विजन दिखाना बड़ा जरूरी था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के एम्बिट को बढ़ाने के लिए ठीक है ये आजाद भारत किस प्रकार का दिखेगा इस विजन को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को एम्बिट को बढ़ाने के लिए सो so, कॉन्सिक्वेंटली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट एट्रोसिटीज का मुद्दा भी हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जुड़ने की वजह से भी कास्ट मूवमेंट्स को बढ़ावा मिलता है अब अगर हमने कास्ट मूवमेंट को समझना है तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया जा सकता है पर्टिकुलरली हम साउथ इंडिया पर फोकस रखेंगे लेकिन हाँ पश्चिमी भारत में वेस्टर्न इंडिया में भी जो कास्ट मूवमेंट्स रही है उनको भी हम एक बार उसका फॉलो अप लेंगे ठीक है बेसिकली पिछले सेशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स वेस्टर्न इंडिया में देखी जाती हैं वो रिफॉर्म की बजाय सोशल रिफॉर्म उसमें ज़्यादा थे और कास्ट में, regions, और यहां पर किस तरह से कास्ट मूवमेंट्स ने अपना असर दिखाया उसके बाद भीमराव अंबेडकर के रोल के बारे में बात की जाएगी वेस्टर्न इंडिया की अगर बात करें तो ज्योतिबा फूले के बारे में डिस्कस के बिना वो चीज इनकम्प्लीट है तो होप आपने पिछला सेशन देख लिया अगर नहीं देखा तो स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर जाकर ठीक है वहां पर प्लेलिस्ट में साहस प्लेलिस्ट का लेक्चर 26 आपको मिलेगा वहां पर ये हम डिस्कस कुछ चीजें ऑलरेडी कर चुके हैं राइट और ये प्लेलिस्ट को शुरू से अगर आप देखोगे तो आपकी कनेक्शन काफी अच्छा बन जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर अच्छी ग्रिप बन जाएगी बिकॉज वी आर नॉट जस्ट कवरिंग वन बुक दैट इज स्टडी आई बुक बल्कि यहां पर टॉपिक्स को डिस्कस किया जा रहा है और इस चीज़ को आपके समझना भी है कि देखो हिस्ट्री भी आप पढ़नी होती है ना तो किताब से ज्यादा मैटर करता है कि आप टॉपिक को कैसे अप्रोच कर रहे हो ठीक है सेवन का रिवोल्ट बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम सब में 1857 का ही रहेगा बिपिन चंद्र में डेप्थ है स्पेक्ट्रम में फैक्ट्स हैं और सोनाली बंसल में दोनों ही हैं और लेयरिंग अच्छी दे रखी है लेकिन हाँ बल्कि है ये उसका एक ड्रॉबैक आ जाता है तो इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट करके प्लस स्टडी की की, है क्योंकि तो तो चीज को समझना है अब कास्ट मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के अगर हम बात करें तो ज्योतिबा फूले की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने बताया था 1828 में लो कास्ट माली फैमिली में इनका जन्म हुआ था बेसिकली आ, ये पेशवा के घर पर पेशवा को पेशवा ऑफ पूना को फूल दिया करती थी इनकी फैमिली तो वहीं से इनको इनका सरनेम फूले मिला ठीक है तो इनके जीवन में कई ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस आए जिन्होंने इन्हें अपर कास्ट डोमिनेशन के बहुत ज्यादा खिलाफ कर दिया एक इनके जीवन में ऐसा एक किस्सा आया था जहां पर इन्होंने अपने किसी फ्रेंड के विवाह को अटेंड करना था जहां पर इनका बेसिकली फ्रेंड अपर कास्ट को बिलोंग करता था एंड वहां पर ब्राह्मण्स काफी सारे मौजूद थे और ऑर्थोडॉक्स थे उन्होंने इनका काफी अपमान किया ठीक है तो सामाजिक अपमानित समाज के द्वारा बिल्कुल सबके सामने ऐसे अपमान को झेलने की वजह से इनके मन में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट काफी ज्यादा हेटरेड पैदा हो गई एंड ही डेवलप्ड वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव सिस्टम अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन राइट तो हिंदू रिलीजन और कस्टम्स के भी जो कुछ चीजें थी जो कास्ट सिस्टम को प्रमोट करती थी

सब कॉन्टिनेंट में आकर यहाँ की ओरिजिनल पॉपुलेशन दैट इज द्रविडास को सबड्यू कर सकें उनको डोमिनेट कर सकें राइट right? तो आर्यस एंड पर्टिकुलरली विद इन आर्यस द ब्राह्मीन्स दे कंटिन्यू टू हाइड द वेदास ठीक है वेदास में ओरिजिनैलिटी और ओरिजिनल सच लिखा हुआ है तो वो शूद्र को और इवन महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता नॉलेज का एक्सेस नहीं दिया जाता क्योंकि वेदों में में बेसिकली कास्ट कास्ट की डिस्क्रिमिनेशन के बारे में जरूर लिखा हुआ है चतुर्वर्ण के बारे में बता रखा है लेकिन अनटचेबिलिटी के लेवल तक हम गिर जाएं इसके बारे में वहां पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ राइट right. तो इसलिए इनका यही कहना है कि ये नॉलेज के ऊपर भी कंट्रोल एक तरीके से अपर कास्ट कर रही है तो कॉन्सिक्वेंटली कास्ट सिस्टम है नहीं लेकिन उसको यूज किया जा रहा है एज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे कि दबदबा कायम किया जा सके स्पेशली जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट एंट्रवेड़ा उनके ऊपर डोमिनेट किया जा सके इंडियन नेशनल कांग्रेस जो उस समय पर स्थापना हो गई थी एंड ग्रेजुअली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के मोमेंटम को आगे बढ़ा रही थी तो इनको क्रिटिसाइज इन्होंने किया था इन्होंने कहा था कि लोअर कास्ट को इन्होंने निगलेक्ट किया स्पेशली इन द इनिशियल इयर्स ऑफ इट्स फॉर्मेशन लोअर कास्ट के मुद्दों को निगलेक्ट करती भी थी कांग्रेस राइट right. अगर इनकी एक्टिविटीज की बात करें कि ज्योतिबा फूले ने किस प्रकार से कास्ट मूवमेंट्स या रिफॉर्म uh, मूवमेंट्स में कॉन्ट्रीब्यूट किया तो देखो दो मेन इन्होंने काम उठाए थे राइट वेट अ सेकेंड इन्होंने दो इंपॉर्टेंट मुद्दों को बेसिकली उठाया था ठीक है देर वर टू इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज पहला इन्होंने महिलाओं का जो शोषण हो रहा था उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और दूसरा कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई राइट सो so, फूले बेसिकली इनका ये मानना था कि जैसे इन्होंने वेदास को आइडेंटिफाई कर लिया बेसिकली जब इनका अपमान हुआ था ना उस शादी में जिन जो अपने फ्रेंड की शादी पे गए थे तो उसके बाद इन्होंने ना रूट कॉज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ढूंढना शुरू कर दिया और उसके लिए कई तरह की ये क्या करते थे कई तरह की इन्होंने बुक्स को अनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया ठीक है कई तरह की बुक्स जो थी इन्होंने उसका एनालिसिस करना शुरू कर दिया अब उस एनालिसिस में रूट कॉज ढूंढ रहे थे और वहां पर इनको यही रूट दिख रहा था जो मैंने बताया के कारण भी को और लोअर कास्ट लोगों को दबाया जाता है तो एजुकेशन कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट टू अपलिफ्ट कम्युनिटी अपलिफ्ट पर्टिकुलर पर्सन तो ये एजुकेशन में इनका विश्वास था कि एजुकेशन के जरिए मैं अपलिफ्ट कर सकता हूँ महिलाओं को भी और लोअर कास्ट लोगों को भी ठीक है तो इसी के चलते इन्होंने 1851 में एक गर्ल स्कूल खोला पुणे में राइट एंड 1854 में ये पहले भारतीय बने जिन्होंने अनटचेबल्स के लिए एक स्कूल खोला और एजुकेशन के जरिए ये यही इनकी अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे इसी के साथ-साथ सरकार के ऊपर ये दबाव बनाने की कोशिश की गई कि वो ये प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी करें और वहां पर जो ये प्राइमरी एजुकेशन देने वाले लोग हैं यानी कि जो टीचर्स हैं दो टीचर्स शुड बी ड्रॉन फ्रॉम द कल्टीवेटिंग क्लास जो कि लोअर कास्ट होती हैं ठीक है ठेके? तो ये जो टीचर्स हैं अगर ये कल्टीवेटिंग क्लास से ड्रॉ करोगे तो इससे भी कास्ट डिस्टिंक्शन जो है वो रिड्यूस होगी जब अपर कास्ट लोगों के बच्चे स्कूल में आ रहे हैं पढ़ रहे हैं और उनको पता लग रहा है कि उनको पढ़ाने वाला जो है वो लोअर कास्ट का है तो ऑब्वियसली ये चीज़ बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी ये माइंड में एक Thought करवाया जा सकता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि लोअर कास्ट लोगों को पता नहीं है ठीक है उनको एक्सेस नहीं है अगर एक्सेस दिलवा दिया जाए और उनको टीचर बना दिया जाए तो वहां पर वो डिस्क्रिमिनेशन को और ज्यादा रिड्यूस किया जा सकता है ठीक है 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज को स्थापित किया जिसको इंग्लिश में सोसाइटी फॉर फाइंडिंग ट्रूथ भी कहा जाता है और इसका ऑब्जेक्टिव था इक्वल राइट्स प्रमोट करना अमंग पीपल ऑफ लोअर क्लासेस ठीक है विडो रिमैरिज और विडो शेल्टर के लिए भी इन्होंने काफी काम किया अब आपके एग्जाम में खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इन यूपीएससी आईएएस और स्टेट सिविल सर्विसेज में एंड कई और तरह के एग्जाम होते हैं ठीक है ईपीएफओ का भी एग्जाम रहता है एंड इवन ऐसा माना जा रहा है कि कमिंग ईयर में 2024 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एआईओ असिस्टेंट इंटेलिजेंस ऑफिसर या इंटेलिजेंस ऑफिसर इसका एग्जाम भी आ सकता है तो वहां पर भी जो सवाल आते हैं वो ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं तो लिटरेरी वर्क कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्मर्स के जरूरी बन जाते हैं कि हम कवर करें तो इनके ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क हैं पहला है दीन बंधु दीनबंधु में इन्होंने आर्यन वेदिक ट्रेडिशन ठीक है ये मराठी में इन्होंने लिखा था जर्नल है राइट और इन्होंने ऑपरेसिव कैरेक्टर जो था आर्यन वैदिक ट्रेडिशन का यही कास्ट सिस्टम उसको एक्सपोज किया गुलामगिरी जिसकी ट्रांसलेशन है स्लेवरी स्लेवरी इन्होंने 1873 में लिखी राइट और यहां पर इन्होंने शूद्रास की हिस्टोरिकल रूट्स के बारे में बताया और इसको कंपेयर किया अमेरिका में ब्लैक्स के अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन चलती थी उसके साथ भी यहां पर कंपैरिजन किया हो गया इसी के साथ-साथ मराठी में एक और इनकी रचना है दैट इज कॉल्ड शेतकऱ्यांच्या असुधा व्हिच मींस द विप कोड ऑफ पेजेंट्री

आ या, किस वजह से ऑर्गेनाइज हुई तो बेसिकली कोई भी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आती है तो उसके फाउंडर्स और उसके ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर 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 क्या है बताइए इज इज द द करेक्ट करेक्ट तो एक्सीलेंट राजीव सी एंटी कास्ट मूवमेंट थी महाराष्ट्र में पर्टिकुलरली एक्टिव थी सो दैट इज दंसर फॉलोइंग सोसाइटी फॉर फाइंडिंग ट्रूथ अगर सत्य शोधक समाज लिखा हो या सोसाइटी फॉर फाइंडिंग ट्रूथ लिखा हो दोनों एक ही बात है आंसर क्या बनेगा हमारा डी दैट इज ज्योतिबा फूले आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं देखो दोस्तों अब ज्योतिबा फूले के बारे में और भी चीजें हैं फॉर एग्जाम्पल इनकी कुछ लिमिटेशन थी जिसकी वजह से अपने विजन को ठीक से फॉलो या इन्होंने जो चीजों को एनविज़न किया था उसमें कहीं ना कहीं बाधा भी आई थी तो अगर यूपीएससी एग्जाम में आपको ज्योतिबा फूले या कास्ट सिस्टम के बारे में कोई सवाल आए तो वहां पर उनकी लिमिटेशंस बताना भी जरूरी बन जाता है अब ये में हम करते हैं इसको कवर हमारे पेड पेड बैचेस में हमारा एक नया बैच बैच स्टार्ट रिसेंटली हुआ है दैट इज कॉल्ड राइट एंड पर क्लासेस फिफ्टींथ नवम्बर से स्टार्ट हो चुकी है यानी कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है अगर आप में से जो लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया और वो करना चाहते हैं तो दिस इज द राइट टाइम नॉट डिले एनी क्योंकि हम यहाँ पर दिवाली का डिस्काउंट भी आपको दे रहे पूरा सिलेबस इस बैच के अंदर अक्टूबर 2024 तक आपका बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया जाएगा उसके बाद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस रिविजन टेस्ट एंड मेंटरशिप के ऊपर फोकस किया जाएगा इसमें सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इस बैच के अंदर देर इज अ थिंग कॉल्ड मेन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम मेन्स रेजिडेंशियल प्रोग्राम का मतलब ये है कि देखो हमारा ये मानना है कि इनिशियली आप एकदम से दिल्ली आकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे और स्टार्टिंग में पहला ही कदम अगर आपका इस टाइम वेस्ट में निकल जाएगा तो दिक्कत आती है वो प्रिपरेशन का मोमेंटम बन नहीं पाता

अर्जित किए हुए ज्ञान को हमने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अप्लाई करना है क्योंकि हो गया, तो वहां पर टीचर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आना फायदेमंद साबित होता है इसमें दो फायदे आपके हो रहे हैं पहली चीज इस प्रोग्राम के अंदर जिन लोगों का प्री क्लियर हो जाता है उनको हमारी डेली एनसीआर में फैसिलिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का मौका मिलता है उसमें कोई आपका बेर है, राइट? अब यहाँ पर पहली चीज तो आप टीचर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हो और दूसरी चीज जिनका क्लियर हुआ है क्योंकि ये बेनिफिट सिर्फ उनको मिल रहा है तो इवन दैट इज एन एडवांटेज आप सीरियस कैंडिडेट्स के साथ आते हो और पहले ही बिल्कुल तैयारी की शुरुआत में दिल्ली आ जाओगे तो खुद भी सीरियस नहीं हो दो चार नॉन सीरियस और मिल गए तो आप अपनी जर्नी को डिले करते जा रहे हो यू आर डिलेइंग योर सिलेक्शन राइट तो उसको उससे बचना जरूरी है तो उसी के लिए इट्स बेटर कि स्टार्टिंग में अपने घर के सिस्टम में आराम से बैठ कर अपनी तैयारी कीजिए जब प्री क्लियर हो जाए देन वी विल टेक केयर ऑफ द थिंग्स दैट आर लेफ्ट यानी कि मेंस और मेंस में देयर इज एन अप्रोच थ्री टू वन ठीक है

अपलिफ्टमेंट के लिए भी काम किया है ठीक है वो ये कहते थे कि एंड लोग तो है ताकि इनका दबदबा समाज के ऊपर कायम रह सके और इस दबदबे को हमें तोड़ना है ठीक है तो वेमेन एजुकेशन की बात भी उन्होंने की लेकिन सत्यशोधक समाज दिस वॉज प्राइमरी एसोसिएटेड विद कास्ट एंडिंग द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन

वोकलिग एंड लिंगयात एसोसिएशन श्री नारायण गुरु एंड एस एन डी पी योगम इनका उसके ऊपर चर्चा करेंगे एंड देन मूव टू भीमराव अंबेडकर ठीक है अब इसमें ऐसा था कि जनरली ब्राह्मण्स इनको नॉलेज का एक्सेस था

ठीक है और इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में भी जो भर सकती है ये क्लास वो ब्राह्मण जनरली बन गए तो थी तो उनको चढ़ा गुस्सा तो एनवी और हॉस्टेलिटी जो थी अमंग द नॉन ब्राह्मण कम्युनिटीज इट गेव राइज टू एंटी कास्ट मूवमेंट्स एंड नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया ठीक है तो कास्ट मूवमेंट्स ऑफ साउथ इंडिया एज अ किस तरह से स हुई विद द एडवेंट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया राइट तो ये उसका एक लिंकेज है ने कहा कि नहीं, हमें भी अगर मिलेगा, तो हम भी अपनी अपलिफ्ट कर सकते हैं एंड दैट इज वॉट दीज मूवमेंट मेंट फॉर राइट तो यहां पर कई और रीजंस हैं ठीक है जिसकी वजह से फर्दर uh, डेवलपमेंट हुई अमंग लोअर कास्ट पीपल ऑफ साउथ इंडिया इसमें तमिल टेक्स्ट के बारे में भी जिक्र करना जरूरी है संगम लिटरेचर में ठीक है संगम लिटरेचर बहुत ही रिच लिटरेचर है और उसको हम एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तमिलनाडु बुक्स भी आपके साथ बहुत जल्द डिस्कस करने वाला हूँ तो यहाँ पे पाटू पट्टू मनीमे कलाई मे कलाई किसने लिखी थी सतनारा ने बाय एलानो अडिगल आई होप जो बैच में एनरोल्ड हैं उनको ये मालूम है कि इनके ऑथर्स कौन हैं और इनकी थीम भी वहां पे मैं बताता हूँ ठीक है तो जो पीटू आई बैच में एनरोल्ड नहीं है वो यहाँ तो एनरोल हो जाएं और

चतुर्वर्ण को काफी ज्यादा फॉलो करना शुरू कर दिया गया कि सो कॉल्ड गोल्डन एज ऑफ इंडिया में विमेन की पोजीशन काफी डिटीरियोट हुई एंड इवन लोअर कास्ट लोगों की पोजीशन भी काफी ज्यादा डिटीरियोट हुई ठीक है तो ये तमिल टेक्स ने भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दिस आई एम टेलिंग यू सो दैट यू नो द फैक्टर्स बिहाइंड कास्ट वूमेंट ऑफ साउथ इंडिया राइट तो ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है ठीक है अपार्ट फ्रॉम द जनरल फैक्टर्स ऑफ कास्ट वूमेंट दिस इज पर्टिकुलर फैक्टर फॉर कास्ट वूमेंट्स इन साउथ इंडिया ठीक है इसी के साथ साथ इनको जब यह पता लगा कि एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है हमारी तो उन्होंने कौन सी गाइस राइट नाइनटीन सिक्सटीन में मद्रास में ठीक है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन का निर्माण किया जाता है इसको जस्टिस पार्टी भी कहा जाता है तीन इंपॉर्टेंट लीडर्स इसमें अपना योगदान देते हैं टीएम नायर पी यागराज चेट्टी राइट एंड सी नुडलियर राइट तो ये पार्टी जो है तमिलनाडु में मौजूद सभी नॉन ब्राह्मण के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है तो यहाँ पर सिर्फ शूदर दलित की बात नहीं हो रही नॉन ब्राह्मी का मतलब इसमें मुस्लिम्स क्रिश्चियंस एंड अनटचेबल्स ये सभी आ जाते हैं ठीक है तो यहां पर जस्टिस पार्टी बनी एंड पर्टिकुलरली बिल्कुल बेसिकली ब्राह्मण के अगेंस्ट इस पार्टी का निर्माण हो जाता है और ये लोग एजिटेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं ठीक है अब इनिशियली इनकी डिमांड थी कि प्रोविंशियल काउंसिल्स में सीट्स नॉन ब्राह्मण के लिए रिजर्व करवाई जाएं। ग्रेजुअली इनकी डिमांड बढ़ती गई इन्होंने एजुकेशन में कंसेशन डिमांड किए एंड पब्लिक अपॉइंटमेंट में भी कहा कि नॉन ब्राह्मण को थोड़ा उनका रास्ता थोड़ा आसान किया जाए राइट तो ये इनकी डिमांड बढ़ती गई नाइनटीन में ये सोचा गया कि बहुत ही नैरो माइंडेड या बहुत ही नैरो डिमांड्स हम नहीं रख सकते कि सिर्फ हम प्रोविंशियल काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मांगे या एजुकेशन में मांगे हमें अपना एम्बिट और बढ़ाना चाहिए तो उसी के चलते कुछ लीडर्स जैसे कि ईवी रामास्वामी नायकर इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया अब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट व्हाट डिड इट स्टैंड फॉर जैसा नाम है वैसा ही काम है सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में बेसिकली आइडिया यही था

जो कास्ट को प्रमोट करती थी या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठानी स्टार्ट कर दी राइट right? तो इस मूवमेंट के चलते नॉन ब्राह्मी मूवमेंट्स को मद्रास में एक मोमेंटम मिला एक न्यू एनर्जी मिली राइट right? अब इसमें राइट्रामा स्वामी नायकर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ठीक है बिकॉज ही एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट तो 1879 में इनका जन्म इरोड में हुआ जो कि क्वेटोर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी ऑफ मद्रास ऑफ दैट टाइम राइट

1925 में इन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया नाराज हो गए थे इनको ऐसा ही लगा कि ये सिर्फ अपर कास्ट इंटरेस्ट को ही प्रमोट कर रही है एंड ग्रेजुअली एक रेडिकल सोशल रिफॉर्मर की तरह ये मर्ज हो जाते हैं ठीक है थीके? तो इसमें इनके कुछ आइडियाज और वर्क्स की अगर हम बात करें तो देखो ब्राह्मण डोमिनेशन और कास्ट सिस्टम को तो इन्होंने हमेशा अटैक किया ही बेसिक डिग्निटी और इक्वालिटी की इन्होंने बात की ये इस चीज के भी खिलाफ थे कि द्रविडंस के ऊपर हिंदी क्यों इम्पोज की जा रही है क्यों थोपी जा रही है द्रविडंस की अपनी भाषा है ठीक है कई तमिल बोलते हैं कोई तुलु बोलते हैं तेलुगु बोलते हैं राइट तो ये हिंदी को द्रविडंस पे नहीं थोपना चाहिए हमारी अपनी भाषा है तभी वो डिस्टिंक्ट आर एन कल्चर साउथ इंडियन कल्चर डिस्टिंक्ट फ्रॉम आर्यन कल्चर इसको भी इन्होंने प्रमोट किया इसी के साथ साथ he encouraged non brahmins to do away with the services of priests right इन्होंने कहा कि हम अपने कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से कई चीजों को लेकर प्रीस्ट या पुजारियों के ऊपर डिपेंडेंट हैं व्हिच जनरली आर ब्राह्मंस तो क्यों ना हम इनके ऊपर अपनी डिपेंडेंस ही खत्म कर दें उससे जब इन पर डिपेंडेंस हमारी नहीं रहेगी तो वही हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है तो इसके चलते उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजज करवाई जहां पर बिना पुजारी के मैरिजज हो रही हैं राइट right? इसमें दूल्हा और दुल्हन ये सिर्फ एक दूसरे को एक दूसरे के प्रति शपथ लेते थे ठीक है और प्रण लेते थे कि एज एक, इक्वल पार्टनर्स दोनों को सारी उम्र ट्रीट करेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकते हैं कि जस्टिस पार्टी को 1916 में किसने स्थापित किया अब आपको ये तो डेफिनेटली पता होगा कि जस्टिस पार्टी कास्ट मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए तो ये मन में आ सकता है कि शायद अंबेडकर जी ने इसको स्थापित किया हो लेकिन नहीं

इट बिलोंग टू लैंड ओनिंग रिच अपर क्लास तो कास्ट की टर्म्स में तो ये हर में नीचे आते हैं लेकिन इकोनॉमी के टर्म्स में या फाइनेंस के टर्म्स में दे बिलोंग टू अपर क्लास एंड दैट इज वाई गाइस आज की डेट में भी ना इंडिया में कास्ट सिस्टम बड़ा ही पेचीदा और कॉम्प्लिकेटेड है और ऐसा नहीं और कास्ट सिस्टम एक्चुअली यूनिफॉर्म भी नहीं है एग्जाम्पल देता हूँ ब्राह्मण्स को यूजुअली कहा जाता है कि इन्होंने तो भाई दुनिया जहान का एक्सप्लोटेशन बस ब्राह्मण्स ने किया है ना और तो कोई और किसी ने तो किया right? कि North राजीव विश्वजीत क्या चलता है पंजाब और हरियाणा में एग्रीकल्चर चलता है एग्रीकल्चर कौन करता है वैसे कम्युनिटी पंजाब में जट हैं और हरियाणा में जाट तो जहां पर मेन काम ही एग्रीकल्चर का हो रहा है नंबर्स किसके ज्यादा हैं वैसे कम्युनिटी के राइट एंड रिसोर्सेज जो कि लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो भी किसके पास है वैसे कम्युनिटी के पास राइट right? तो पंजाब हरियाणा में ब्राह्मि की इतनी कोई खास इज्जत नहीं है टू बी ऑनेस्ट ऑन द ग्राउंड लेवल तो ये सिर्फ कहने की बात है कि एक्सप्लोर्टेशन ब्राह्मि एंड ये सब इन्होंने की है जबकि रियालिटी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ठीक है यस टू सम एक्सटेंट ब्राह्मणिकल सिस्टम हमारे हिस्ट्री से जो हम पता लगते हैं हमें कि कुछ प्रैक्टिस वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव हो गई जहां पे अनटचेबिलिटी जैसे सोशल मैल प्रैक्टिस क्रीप इन कर गए लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली थ्रू आउट इंडिया यही कुछ हो रहा है तो कास्ट एंड क्लास सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इंडिया में अब अंग्रेजों ने तो ये सोचा नहीं

तो ये समस्या है ठीक है ये थोड़ा सा आपको ये इसलिए बताया ताकि ठीक है जो हम किताबी बातें पढ़ते हैं वो अपनी जगह है लेकिन रियलिटी जो है ना वो रियलिटी कई बार किताबों में नहीं बताई जाती अभी आगे जब हम राउलेट एक्ट वगैरह की बात करेंगे जब राउलेट एक्ट और वो सब चीज कवर होगी आपके साथ इवन देन आई विल टेल यू सम थिंग्स विच आर नॉट यूजली रिटन इन द टेक्स्ट बुक्स स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में वो नहीं बताया जाता ठीक है चलो आगे चलते हैं अब यहां पर आपको मेन फंडामेंटल डिफरेंस पता लग गया ठीक है तो तब भी यहां पर देखो आ, अब मद्रास में तो समझ आता है कि जो जॉब्स वगैरह थी वो ब्राह्मण्स के पास ही जा रही थी वो पहले से ही सो, सोशल हरारकी में ऊपर थे न्यू जॉब्स और न्यू चेंजिंग सोशल ट्रेंड्स के चलते भी फायदा वो ले रहे थे तो समझ में आता है कि नॉन ब्राह्मण क्लासेस उनको ऑब्वियसली अप्रीहेंसिव होंगे प्लस उनको ये भी लगेगा कि नए सोर्सेज भी इन्हीं के अंडर हैं तो हम क्या करेंगे फिर ठीक है तो वो सारी मूवमेंट्स स्टार्ट हुई यहाँ पर एक्चुअली अपर रिच अपर क्लास जो है नॉन है और इनका ठीक हैीडर बहुत इंपॉर्टेंट थे त्रिपुर नैनी रामास्वामी चौधरी ठीक है तो वो के लिए सेल्फ पर त्रिपुरा नैनी रामास्वामी चौधरी अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडरेंट नॉन ब्राह्मिन लीडर से पूरा का पूरा इन्होंने अपना जीवन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ज्योतिबा फूले और रामासामी नेकर जिनको पेरियर भी कहते हैं उनसे काफी ज्यादा मिलती जुलती थी इन्होंने सेक्रेट टेक्स की अथॉरिटी को चैलेंज किया कास्ट सिस्टम को चैलेंज किया और इन्होंने कहा कि आर एनस जो है इन्हीं का बनाया हुआ सिस्टम है जस्ट लाइक फूले एंड

ब्रेकडाउन किया जाए नॉन ब्राह्मंस भी वहां पर आने चाहिए ठीक है इनके इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हमारे लिए जरूरी हैं जैसे कि कुरुक्षेत्र संग्राम इनकी ना बुक्स बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं टू बी ऑनेस्ट ठीक है जैसे कुरुक्षेत्र संग्राम है इसमें इन्होंने कहा कि कौरवास जो हैं ये ज्यादा अपराइट थे पांडवास के बदले ठीक है जुआ पांडवास ने खेलना पसंद किया और कौन जुए में बीवी को दाव पे रख राइट तो इस, की इन्होंने इस बुक में कर हैं, संग्राम. तो इन्होंने कौरवास को थोड़ा सा अच्छा दिखा है और इन्होंने का को कोई अधिकार नहीं था रूल करने का। ये भी बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल किताब है इनकी इसमें इन्होंने ना भगवान राम के बारे में कुछ ऐसा लिखा है कि आ, बेसिकली ना देखो जो वाल्मीकि वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा जो रामायण लिखी थी ये जो एनिकडोट है जो इसमें जिसकी बात यहाँ पे संबुक बाद में की गई है ये उसका ओरिजिनल रामायण का पार्ट नहीं था ये बाद में जो रामायण के भी आपको बहुत से पता है कि अलग अलग स्वरूप सामने आते हैं तो ये उसके बाद आया था ठीक है ये बाद में एडिशन हुई थी तो इन्होंने कहा कि ऋषि वशिष्ठ के कहने पर संबुक नाम के एक शूद्र का भगवान राम ने वध कर दिया ठीक है कहानी इसकी कुछ इस प्रकार से है कि शूद्र जाति को बिलोंग करने वाले सम्भुक ऋषि थे उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी और तपस्या करते वक्त ऐसा कहा जाता है इस कहानी में कि कुछ ऐसी प्रैक्टिस थी या तपस्या थी जो सिर्फ रिजर्व थी ब्राह्मण्स के लिए या अपर कास्ट के लिए तो क्योंकि एक शूद्र ने भी उन तो उस तपस्या को करना स्टार्ट कर दिया उससे प्रकृति और ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ गया और उस संतुलन को सही करने के लिए भगवान राम ने कहा कि इसको ठीक करना पड़ेगा तो वो सम्बुक के पास आए सम्बुक तपस्या में विलीन था तो कोई बात नहीं कोई चीत नहीं वद्ध कर दिया गया संतुलन लाने के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल है ठीक है और इसकी आ, मतलब ये पूरी की पूरी कहानी भी काफी मतलब लगता है ऐसे समझाते हुए पर हाँ, इसी पूरे संवाद के बारे में इस एनेक्डोट के बारे में वाद में इस किताब में बताया हुआ है और ऑब्वियसली आप भी समझ सकते हो कि जो एनेकडोट है ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा सा दे रहा है राइट तो कई कल्चर्स में इसको माना भी जाता है पढ़ा भी जाता है तो कॉन्सिक्वेंटली इस किताब में इसके बारे में बात करके

कर्नाटका में ये प्रोमिनेंट थी राइट एंड इसमें एक नॉन ब्राह्मण लीडर्स की डेलीगेशन मैसूर के महाराजा को मिलती है, है. निर्माण होता है जो कि रेकमेंड करती है इक्विटेबल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक सर्विसेज ठीक है तो ये एक छोटा सा फैक्ट वोकलिक्स एंड लिंग एसोसिएशन के साथ जुड़ा हुआ है अब केरला की बात करें तो यहाँ पर श्री नारायण गुरु वाइकोम सत्याग्रह गुरु वायु सत्याग्रह की यहाँ पर हम बात करेंगे तो बिलोंग करते थे और इन्होंने एसएनडीपी की स्थापना की एसएनडीपी स्टैंड्स फॉर श्री नारायण धर्म परिपालना योगम ये 1903 में इन्होंने बनाया और इसका ऑब्जेक्टिव था अनटचेबिलिटी को रूट से पूरा नस्तो नाबूद करना टेम्पल्स को निर्माण करना और ऐसे टेम्पल्स ज्यादातर टेम्पल्स को सभी कास्ट के लिए ओपन अप कर देना क्योंकि टेम्पल्स में माना जाता था कि अपर कास्ट या ब्राह्मण जी सिर्फ एंटर हो सकते हैं ठीक है अब इसमें इन्होंने कांग्रेस को भी काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था ये कहते थे कि लोअर कास्ट के इंटरेस्ट को कांग्रेस प्रमोट ही नहीं करती सिर्फ लिप सर्विस देती है कि सिर्फ कहने के लिए कह दिया बट उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है गांधी जी हम सब जानते हैं कि चतुर्वर्न में उनका विश्वास था इवन बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी में जब डिफरेंस की बात की जाती है तो यही कहा जाता है कि गांधी जी कहते थे कि कास्ट का होना जरूरी है समाज में एक संतुलन बनाने के लिए लेकिन कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि अनटचेबिलिटी इज अ वेरी वर्स्ट फॉर्म ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन राइट जबकि अम्बेडकर जी कहते थे कि कास्ट को पूरी तरह से खत्म ही कर दो राइट right? गांधी जी का कहना था कि खत्म करने की जरूरत नहीं है कास्ट शुड रिमेन बट ऐसी ग्रोस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पर गांधी जी को भी श्री नारायण गुरु भी गांधी जी के एक तरीके से क्रिटिक थे वो कहते थे कि चतुर में विश्वास होने से बेसिकली अनिटी को बढ़ावा मिलता है इन्होंने एक स्लोगन दिया वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड ही गेव अ स्लोगन वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैन ठीक है तो बेसिकली एकता लाने की कोशिश विद इन हिंदू रिलीजन भी एकता लाने की यहाँ पर एक ही कोशिश थी ठीक है इसके बाद इन्होंने अरावीपुरम मूवमेंट इसके साथ इनका नाम जोड़ा जाता है ये बेसिकली एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट थी दट took place इन 1888 अरावीपुरम केरला में एक टेम्पल है और वहाँ पर लोअर कास्ट लोगों का आना वर्जित था राइट तो इन्होंने क्या किया इन्होंने ना केवल टेंपल में एंट्री ली बल्कि वहां पर अराविपूर मंदिर में वहां पर मौजूद शिव मंदिर में शिवजी की मूर्ति की भी स्थापना की राइट तो ये चीज बेसिकली ब्राह्मण डोमिनेंस जो प्रीस्टली रिचुअल्स हैं उसमें ब्राह्मण डोमिनेंस को खत्म करने की यहां पर बात की गई राइट और इस जेस्चर से कास्ट डोमिनेशन बेसिकली वो

नॉन को वापस लेने के बाद उन्हें ये दिख गया था कि मुझे कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम करना पड़ेगा आगे भी हम का यह होता था कि जब किसी का अगली मूवमेंट लॉन्च करनी है तो हमारा एम्बिट वाइड हो बड़ा एम्बिट हो ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हों तो कॉन्सिक्वेंटली 1924 ये एक ऐसा वक्त था जहां पर Uh, स्वराजिस्ट एंड नो चेंजेस की भी आपस में डिबेट चल रही थी कंट्रोवर्सी चल रही थी इसको हम आगे पढ़ेंगे फ्रीडम स्ट्रगल में राइट लेकिन उसी समय पर गांधी जी जो थे वो यही चाहते थे कि ज्यादातर कांग्रेसी लोग ठीक है बेसिकली स्वराजिस्ट जो थे वो चाहते थे कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में एंट्री लेकर काउंसिल्स के अंदर अंग्रेजों को एक्सपोज करें जबकि नो no चेंजेस चाहते थे कि हम कंस्ट्रक्टिव वर्क में काम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस की विचारधारा के बारे में बताएं गांधीयन मेथोडोलॉजी के बारे में बताएं सत्याग्रह के बारे में बताएं ताकि अगली मूवमेंट में हमारा बेस ज्यादा हो ठीक है तो कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के चलते राइट ये जो सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी ये काफी लोगों में प्रचलित हो गई और सत्याग्रह का इस्तेमाल केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि हर इनजस्टिस हर अन्याय के खिलाफ यूज होना स्टार्ट हो गया क्योंकि सत्याग्रह का मतलब ही ये है कि सत्याग्रह के लिए आप एक मोर्चा निकाल रहे हैं सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं राइट तो यहां पर केपीके के सवा मौजूद थे केरला में इन्होंने बायकॉम से सत्याग्रह शुरू किया इस सत्याग्रह का ऑब्जेक्टिव ये था कि हिंदू टेंपल्स और उसके आसपास की जो सड़कें हैं अनटचेबल्स के लिए उन्हें खुलवा दिया जाए ऑल्दो जैसा मैंने आपको भी बताया कि 100% सक्सीड तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी इसने लिमिटेड सक्सेस हासिल किया कि आसपास की सड़कों पे अनटचेबल्स को अलाउ कर दिया गया और मेन प्रमिसिस के अंदर कुछ लोअर कास्ट लोगों को अलाउ कर दिया गया था ठीक है तो

पूरे कंट्री में टेंपल एंट्री मूवमेंट्स को लेकर एक मोमेंटम मिला ठीक है तो गुरुवाय और सत्याग्रह भी टेंपल एंट्री के लिए है क्या यह बात याद रहेगी सबको क्या यह बात याद रहेगी भाई गुरुवाय और सत्याग्रह बाईकॉम सत्याग्रह बोथ आर फॉर टेंपल एंट्री ठीक है तो इसी के साथ-साथ गुरुवाय और सत्याग्रह के बाद टेंपल एंट्री के लिए जो आवाज थी और ज्यादा उठती चली गई ठीक है इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इवन मोर राइट भीमराव अंबेडकर जी की अगर हम बात करें ठीक है तो अगर इनकी बात ना की तो फिर कास्ट मूवमेंट्स की बात इनकम्प्लीट रह जाती है तो बाबा साहब अम्बेडकर मूवमेंट को इनिशिएट किया और दलित के कॉज को भी एंड वुमेन लेबर के कॉज को भी काफी प्रमोट किया था ब्रीफ में इनकी अगर बात करूं तो महार कम्युनिटी को ये बिलोंग करते हैं 1891 में इनका जन्म हुआ ठीक है और महाओ नाम की जगह थी ठीक है आपका होमवर्क महाओ कहाँ पर सिचुएटेड था ठीक है वेयर इज महाओ सिचुएटेड राइट नाउ ठीक है इसको एक बार आप सर्च करेंगे राइट right? तो इसमें आपको थोड़ी और इंटरेस्टिंग इंसाइट भी मिलेगी तो डू दिस थिंग राइट नाउ ठीक है इसके बाद एल्फिनस्टोन कॉलेज बाल गंगाधर तिलक ने जिनको स्थापित करने में और सबसे पहले लेक्चरर्स भी वो रहे थे इसको भी हमने आपके साथ डिस्कस किया था तो इसी कॉलेज में बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी ग्रेजुएशन ली ठीक है बॉम्बे में मौजूद इस कॉलेज में ग्रेजुएशन ली उसके बाद और इन्होंने की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उसके बाद पी एच डी की फ्रॉम लंडन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड देन ही गॉट अ डिग्री ऑफ लॉ फ्रॉम ग्रेज इन अब आपको एक चीज बता दू बाहब अंबेडकर को ये कहा जाता है कि संविधान का ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया था ठीक है ही चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ठीक है एंड uh, ज्यादातर लोग इनको एज ए लॉयर जानते हैं बट एक्चुअली इनकी जो रियल स्ट्रेंथ थे ना रियल पोटेंशियल दैट इज इन इकोनॉमिक्स ठीक है तो इग्नू में कोर्स आते हैं डिफरेंट बाबा साहेब अम्बेदकर पर भी कोर्स आता है तो वो स्टडी करने के बाद इवन आई गॉट टू रियलाइज कि एक्चुअली बाबा साहेब अम्बेदकर लॉ में तो लॉ के बारे में तो इनकी जो नॉलेज थी दैट वॉज जस्ट अ टिप ऑफ द आइसबर्ग असली ज्ञान तो इनका इकोनॉमिक्स में है ठीक है एंड अंडर रेटेड इकोनॉमि है और दुख की बात यह है कि इनके इकोनॉमिक्स के जो इनकी आइडियाज इकोनॉमी में जो इनकी इनोवेशन थी जो इनोवेटिव थॉट्स थे वो आज की डेट में इवन हमारी सरकार भी कुछ बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं कर रही इनको संविधान के ड्राफ्टिंग चेयरमैन की तरह ही इनको ज्यादातर इन, उसकी बात की जाती है ठीक है हाँ राजीव लंडन वही बता रहा हूँ यहीं से बेसिकली यहीं से जो इन्होंने इकोनॉमी के बारे में सीखा ना वहीं से काफी सारे इनोवेटिव विचार इन्होंने दिए ठीक है तो आज की डेट में क्वाइट नेसेसरी कि इनके इन विचारों के ऊपर विचार किया जाए इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात अगर हम करें तो ही स्टैब्लिश बिहारी सभा एट बॉम्बेटीन ट्वेंटी फोर राइट एंड के के डिमांड की, की तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की और इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिप्रेस क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट किया और इन्हीं के चलते की डिमांड के चलते कम्यूनल अवार्ड मिला भी ठीक है राम से मेकडोनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया भी उसके बाद पूना पैक्ट से एक कॉम्प्रोमाइज

Do join this telegram, या आपको यहाँ पे सर्च करना है ठीक है आप सी एस एल आई बी ई सी एस लाइव जब सर्च करोगे तो यू विल फाइंड अ ग्रुप कॉल्ड सी एस लाइव ग्रुप एंड द नेम ऑफ देंडल ऑफ दिस ग्रुप इज एट द रेट चंदन लर्निंग जब आप इसको क्लिक करोगे यू विल गेट द गूगल लिंक ऑफ द पी डी एस ऑफ दी क्लासेस ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ठीक है तो यहां से इन PPTs के थ्रू भी आप अपने इस को कर सकते हैं। book, इस बल्की बुक, और उसमें कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं जो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न इंडिया में हमारे लिए जरूरी है कवर करनी राइट और स्पेक्ट्रम की तरह बहुत हल्की नहीं है बहुत से लोग ना देखो यार स्पेक्ट्रम मार्केट में पॉपुलर क्यों है मुझे आप ये बात बताओ कि

टाइप कर दिया तो राजीव आहिर ने यही किया था वो जब खुद स्टूडेंट एन आई एन आईपीएस ऑफिसर जब खुद स्टूडेंट उन्होंने ब्रांड उनका चल रहा है उसके बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे एडिटर्स उस पर वर्क करते हैं और उसकी वजह से थोड़ा बहुत क्वालिटी में उतार चढ़ाव आ जाता है ठीक है थोड़ा बहुत क्वालिटी में उतार चढ़ाव आ जाता है एंड एज अ रिजल्ट स्पेक्ट्रम नो डाउट कंसाइज मटेरियल अगर रेफर करना है वो बहुत सही है अगर आप एक बार हिस्ट्री पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छी बुक है कांग्रेस के सेशंस इंपॉर्टेंट जर्नल्स राइट इम्पोर्टेंट कुछ कॉन्स्परेसी केस मीरड मनिक मनिकतला बॉम्ब फैक्ट्री ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगी लेकिन अगर डेप्थ समझनी है और जो मीन की डिमांड होती है उस हिसाब से वो बुक

खड़ा होना कई बार थोड़ा सा दुविधाजनक हो जाता है तो उसके लिए स्टूल दे दी जाता है कि सर हम बैठ सकते हो आप बीच में पांच मिनट की ब्रेक ले दे देना खुद भी पानी पी लेना बच्चों को भी पीने देना बट क्लास चलनी चाहिए नो नॉन ठीक है तो इसमें तीन घंटे पढ़ाई का मतलब घंटे पढ़ाई राइट दैट इज़ ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स तभी हम जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस जल्दी सिलेबस कंप्लीशन मींस जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर दी जल्दी रिवीजन जिसने स्टार्ट की इसका मतलब नंबर ऑफ रिवीजन उसका ज्यादा होगा और जिसका नंबर ऑफ रिवीजन ज्यादा है रिजल्ट आने के चांसेस भी उसके होंगे Okay, so that's it for this lecture. Use code CSLive to purchase any course, any book from StudyIQ and you will get maximum discount on that. Wish you all the best. See you soon in next